वंदे मातरम। आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ, जहां खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। कोंडागांव में आज खुशी का माहौल है। वजह यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोंडागांव को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। 213 करोड़ रुपए की 527 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है और शिलान्यास हुआ है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लगातार मांग की जा रही थी बैंक की और एटीएम की, उस पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य रोजगार के क्षेत्र में और संस्कृति के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हम जो वादे जनता से कर रही हैं उन्हें निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि हमने किसानों का ऋण माफ किया है, हमने धान खरीदा है, 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला किया है और साथ ही जिक्र किया कि सरकार एथेनॉल प्लांट पर भी लगातार काम कर रही है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार दुगनी होती नजर आ रही है। जय हिंद। नेटवर्क 10 को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जय हिंद।